और नहीं तो या हमने वहाँ बड़ा मोर्चा निकाले उससे डबल निकलेगा। और यही कारपोरेशन में अगर ये जो हम डिमांड लेकर अगर पूरी नहीं हुई तो यकीनन बूथ से हमारा धरना आंदोलन और फिर बड़ा मोर्चा कारपोरेशन में आए। ये 20 करोड़ के काम का रोड जो है वो फौरन शुरू हो रहा है चीफ से और नेशनल कंपाउंड का लिमिट आएगा यहाँ से वो गडर फौरन शुरू होना चाहिए कंपाउंड तोड़ के इनके। ये एक्शन फौरन लेना चाहिए आप लोगों ने, समझे क्या? अभी बहुत हो गया और अंदर गए तो भागे जाने चार रास्ते ब्लॉक कर क्या एक नहीं पीछे से भाग्य था गलती में चले गए तो मेहरबानी करके लोगों को बहुत त्रास है हमारे को शहर की आवाम को। अतिरिक्त आयुक्त से हमारी मुलाकात हुई और डिप्टी इंजीनियर बांका नगर अचरा और हमारा जो विषय था जब तायरा शेख महापुर थे आखिरी बजट इन्होंने उसके अंदर बजट के अंदर 15 करोड़ का नियोजन आखिरी महासभा के अंदर हुआ था आगर रोड का तीसरा फेज बनाने के लिए। वो तीसरे फेज का टेंडर निकल गया और अच्छी बात है कि 20 करोड़ का निकला। पीछे भी हमारे कुछ राजकीय लोगों ने वो आंदोलन किया इसीलिए क्योंकि बहुत कीचड़ मट्टी रहती थी बारिश का आखिरी दौर था। चलो टेंडर निकल गया अच्छी बात है लेकिन आज भी वो धूल वो मिट्टी मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी कभी इंजीनियर वगैरह या वाटर सप्लाई या फायर ब्रिगेड के लोग उधर जाके देखते नहीं ताकि रोजाना 2 टाइम 3 टाइम वहाँ पानी मार दिया जाए ताकि लोगों को धूल मिट्टी से जिनको अस्थमा रहता है वो बीमारी वालों को त्रासता हो तकलीफ ना हो। टेंडर निकलने के लिए 1 महीना हो गया और आज तक वो वर्क ऑर्डर नहीं हुआ और उसकी काम की शुरुआत नहीं हुई। तो हमारी अपनी डिमांड है कि पीर के दिन आने वाले पीर यानी सोमवार तक काम की शुरुआत हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुई तो बुध के दिन से हमारा धरना आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे हम गेट के ऊपर हमारा धरना आंदोलन हमारे सभी माजी नगर से और कार्यकर्ता यहाँ पे करेंगे। दूसरा विषय हमारा ऐसा था नेशनल कंपाउंड जो है वो 6 फीट आगे रोड पे और जीबी टाइल्स 4 महीने होते आगे है खाली मौज माफी चल रहा है आज तक उसको तोड़ा नहीं गया जबकि वो इलीगल है। वही नेशनल कंपाउंड के अगर पत्रे के शॉपिंग वाले अगर देखेंगे वो अपनी जगह कानून से है लेकिन आगे की भीन तो जो आगे की दीवार है वो इलीगल है वो तोड़ के वो गटर का काम पूरा होना चाहिए ताकि वो पानी जो गटर का पानी जो सीधे चला जाएगा उसके वजह से जाफरनगर कैनल और अंसार पत्र के पास से जो पानी जाता है पावरवाड़ी के सेट में बारिश के दिनों के अंदर आप लोग जानते हो कि हर बारिश के अंदर पावरवाड़ी के नागरिकों को बहुत तकलीफ होती है उनके घरों के अंदर पानी भर जाता है रजापुरा वालों के। अगर ये दोनों गटर सीधे चालू हो गई क्योंकि बन चुकी है लेकिन सिर्फ एक इंसान हटर्मी कर रहा है और कॉरपोरेशन को मौज माफ करने की जरूरत नहीं इलीगल है निशान लगा हुआ है पहले से और उसके किसी काम को सिवाय कंपाउंड के अंदर की जो बिल्डिंग है उसके परमिशन के अलावा कंपाउंड का और इलीगल गालों का पत्रे का कोई परमिशन नहीं है इसलिए कॉरपोरेशन को पूरा अधिकार के उसको अर्जेंट तोड़ना चाहिए और लोगों को राहत देना चाहिए। यही डिमांड लेकर के माजी महापौर मैं हमारे सभी नगर सेवक माजी चेयरमैन वगैरह हम लोगों को निवेदन अभी दिए फिर तक का हम इंतज़ार करेंगे बूथ से रहते यहाँ पर हमारा आंदोलन हो जाएगा शुरू
बजट रिलीज होने को अब एक महीना हो गया, एक तो 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद रिलीज हुआ, लेकिन कुछ लोगों को हेड तोड़ के अधीन राउंड बोल के टेंडर निकाला जा रहा है। हमारा मकसद है जो हेड के काम है, जो शहर भर के अंदर जो मेन मेन रास्ते हैं, मेन नाले हैं, वो फौरी तौर पे टेंडर होना चाहिए। भले ही अधीन राउंड करो, लेकिन फौरी तौर पे उसके टेंडर वगैरह हो के और लगेज काम शुरू होना चाहिए, और काम सब क्वालिटी के होना चाहिए, आगरा रोड का हो या कोई भी नाले का हो। ये निवेदन देने हम आए थे, और आज हम कॉरपोरेशन के अधिकारियों को आगाह करके जा रहे हैं। कॉरपोरेशन के लोगों ने देखा कि हमने घरपट्टी के ताल्लुक से एक मोर्चा लाए थे, 5-7 हज़ार खाली महिला थी उसमें, जेंट्स अलग थे। एक हमारा राशन कार्ड का डिमांड था, जो पिछले दिनों हमारा मोर्चा हुआ 12 तारीख को, वहाँ कम से कम मालेगांव शहर की 15 से 17 हज़ार माँ बहने गरीब जो केसरी कार्ड वाली है, और उसके अंदर 7-8 हज़ार जेंट्स, 25 से 30 हज़ार का मोर्चा निकला। सरकार जागी, हमारे अपोजिशन लीडर कल 10 बजे का टाइम था, महाराष्ट्र असेंबली के अजीत दादा पवार, आसिफ भाई और मैं, वहाँ पे हम लोगों ने निवेदन दिया। उन्होंने खुद से बोला कि आप लोगों का हमने मोर्चा देखा, काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में माँ बहनें थी, और 20 साल से इसके अंदर अनाज का घोल चल रहा है। अब वो कलेक्टर साहब को देखना चाहिए कि DSO, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार और FDO अधिकारी, भले अभी ये 6 महीने में नए FDO अधिकारी को, लेकिन 20 साल से जो घोल है पूरे महाराष्ट्र के अंदर ग्रामीण में या शहरी भाग में, केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलता है, गवर्नमेंट अपने पास से देती है, कोई अधिकारी अपने जेब से नहीं देता है। तो हमारी वो डिमांड के ताल्लुक से आज भी हमारे असलम अंसारी शकील बेग कलेक्टर ऑफिस जा रहे, उधर से आसिफ भाई आ रहे, वो एक मीटिंग हो रही, कल ऑनलाइन मीटिंग हुई बाकायदा, नासिक के कलेक्टर ने लिया था, उसके अंदर कुछ डिमांड उन्होंने मान ली 25 हज़ार लोग की, लेकिन नहीं, 1.5 लाख लोगों का मसला है। इसलिए हमारी अपनी डिमांड के 70,000-80,000 लोग यहाँ पे दारिद्र रेशा की शक्ल में केसरी कार्ड वाले हैं, जिनकी इनकम एक 58,000-60,000 है, उनको फौरी तौर पर अनाज मिलना चाहिए। और नहीं तो या हमने वहाँ बड़ा मोर्चा निकाले, उससे डबल निकलेगा, और यही कॉरपोरेशन में अगर ये जो हम डिमांड लेकर अगर पूरी नहीं हुई, तो यकीनन बूथ से हमारा धरना आंदोलन, फिर बड़ा मोर्चा कॉरपोरेशन में आए।